चलिए बनाते हैं दही पूरी। इसके लिए सबसे पहले तेल गर्म कर लेंगे। गोलगप्पे वाली पूरी को इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसे निकाल लेंगे। अब हम उबले हुए आलू में डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पूरी को लेंगे और इस तरह से इसे बीच में थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, जिससे कि इसमें हम स्टफिंग कर सकें। इसमें हम डाल देंगे आलू। सभी पूरी के अंदर डाल दें आलू को। आलू को हमने सभी में अच्छी तरह से डाल दिया है। इसके बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को डालने के बाद इसमें डाल देंगे बूंदी। बूंदी के बाद इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। सभी पूरी के अंदर अच्छी तरह से डाल दें। इसके बाद डाल देंगे मीठी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चटनी। चटनी को डालने के बाद इस पर डाल देंगे अब हम चाट मसाला। अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दें पूरे पूरी के ऊपर। नमकीन से भुजिया डाल देंगे। दही पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी